हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। रोजमर्रा की बाइबल स्टडी प्रोग्राम में खुश आमदीद। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो। वो जो हम सबको प्यार करता और हर तरह से संभालता है और बरकत बख्शता है। आज हम खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से पढ़ेंगे खुरूज की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 30 आयत तक खुदावंद के पाक कलाम की तलावत की जाएगी। एक्सोडस चैप्टर 14th वर्स 1 to 30। और खुदावन ने मूसा से फरमाया कि बनी इसराइल को हुक्म दे कि वो लौट कर मुजदाल और समुंदर के बीच फिर हुजरत के मुकाबल बाल सेउन के आगे डेरे लगाएं, उसके आगे समुंदर के किनारे किनारे डेरे लगाना। फिराउन बनी इसराइल के हक में कहेगा कि वो जमीन की उलझनों में आकर बियाबान में गिर गए हैं और मैं फिराउन के दिल को सख्त करूंगा और वो उनका पीछा करेगा और मैं फिराउन और उसके सारे लश्कर पर मुमताज होऊंगा और मिस्री जान लेंगे कि खुदावंद मैं हूं। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि वो लोग चल दिए, तो फिराउन और उसके खादमों का दिल उन लोगों की तरफ से फिर गया और वो कहने लगे कि हमने ये क्या किया कि इसराइलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। तब उसने अपना रथ तैयार करवाया और अपनी कौम के लोगों को साथ लिया और उसने 600 चुने हुए रथ बल्कि मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों रथों में सरदारों को बिठाया। और खुदावन ने मिस्र के बादशाह फराउन के दिल को सख्त कर दिया और उसने बनी इसराइल का पीछा किया, क्योंकि बनी इसराइल बड़े फखर से निकले थे। मिस्री फौज ने फिराउन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत उनका पीछा किया और उनको जब वो समुंदर के किनारे फी हजरूत के पास बिल से सेफून के सामने डेरे लगा रहे थे जा लिया। और जब फिराउन नजदीक आ गया तब बनी इसराइल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं और वो नहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे कि मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया? हमको मिस्र से निकाल लाया। क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे, हम मिस्रियों की खिदमत करें? क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर होता। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर
खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़े और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा और उसे दो हिस्से कर दे और बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुशक जमीन पर चल कर निकल जाएंगे। देख, मैं मिस्रियों के दिल सख्त करूंगा, वो उनका पीछा करेंगे और मैं फिराउन और उसके सपा और उसके रथों और सवारों पर मुमताज होऊंगा। और जब मैं फिराउन और उसके रथों और सवारों पर मुमताज होऊंगा तो मिस्री जान लेंगे कि मैं खुदावंद हूं। और खुदावंद का फरिश्ता जो इसराइली लश्कर के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का वो स्तून उनके सामने से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। यूं वो मिस्रियों के लश्कर और इसराइली लश्कर के बीच में हो गया। सो वहां बादल भी था और अंधेरा भी था, तो भी रात को उससे रोशनी रही। बस वो रात भर एक दूसरे के पास नहीं आए। फिर मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया और खुदावन ने रात को तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समुंदर को पीछे हटाकर उसे खुशक जमीन बना दिया और पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया और बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुशक जमीन पर से चलकर गुजर गए और उनके दहने और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह था। और मिस्रियों ने ताकब किया और फिराउन के सब घोड़ों और रथों सवारों और उनके पीछे समुंदर के बीच में चले गए। और रात के पिछले पहर खुदावन ने आग और बादल के स्तून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की और उनके लश्कर को घबरा दिया और उसने उनको उनके रथों के पहियों को निकाल डाला। सो उनका चलाना मुश्किल हो गया। तब मिस्री कहने लगे, आओ हम इसराइलियों के सामने से भागें क्योंकि खुदावंद उनकी तरफ से मिस्रियों के साथ जंग करता है। हालेलुया। और खुदावंद ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा ताकि पानी मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। और मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया और सुबह होते ही समुंदर फिर अपनी असली कुवत पर आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। और खुदावंद ने समुंदर के बीच में मिस्रियों को तह बाला कर दिया और पानी पलट कर आया और उसने रथों और सवारों और फिराउन के सारे लश्कर को जो इसराइलियों का पीछा करता हुआ समुंदर में गया था गर्क कर दिया। हालेलुया। और एक भी उनमें से बाकी ना छूटा, पर बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुशक जमीन पर चल कर निकल गए और पानी उनके दहने और बाएं दीवार की तरह रहा। सो खुदावंद ने उस दिन
इसराइलियों को मिस्रियों के हाथ से इस तरह बचाया और इसराइलियों ने मिस्रियों को समुंदर के किनारे मरे हुए पड़े देखा और इसराइलियों ने बड़ी कुदरत जो खुदावन ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी और वो लोग खुदावन से डरे और खुदावन पर और उसके बंदा मूसा पर ईमान लाए। खुदावन अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदावन के पाक कलाम का जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया, यहां पर हम बड़ी खूबसूरत बातें अपनी रहनुमाई के लिए देखते हैं और इस बाब के अंदर खुदा की बड़ी कुदरत और खुदा का बड़ा जलाल हम देखते हैं जो खुदावन ने बनी इसराइल के सामने जाहिर किया और बनी इसराइल ने खुदा की कुदरत को अपनी आंखों के साथ देखा और खुदा के जलाल को अपने तजर्बे से मालूम किया। और यहां पर हम देखते हैं कि जब खुदावन खुदा बनी इसराइल कौम को मुल्के मिस्र से फिराउन की गुलामी से निकाल लाया तो लिखा है कि वो बहर कुलजम के किनारे पर आ पहुंचे और जब वो वहां पहुंच गए समुंदर के किनारे पर तो खुदावंद खुदा ने अपने बंदा मूसा को हुक्म दिया और उसे फरमाया कि बनी इसराइल को हुक्म दे कि वो लौट कर मुजदाल और समुंदर के बीच समुंदर के किनारे डेरे लगाएं। और डेरे जो है वो समुंदर के किनारे पर लगाना है, इधर उधर नहीं लगाना। और फिर ये भी उनसे कहा कि फिराउन बनी इसराइल के हक में कहेगा कि वो जमीन की उलझनों में आकर बियाबान में घिर गए हैं। फिराउन इस तरह सोचेगा, इस तरह कहेगा कि वो तो फंस गए हैं, अब वो तो बड़े चाह के साथ यहां से निकले थे, अब वो वहां फंस गए हैं क्योंकि आगे समुंदर है। लेकिन फिराउन ने ऐसा ही किया और उसने सोचा कि आगे समुंदर है, पीछे हम हैं और हम उनका पीछा करते हैं। और उसने सवारों को अपना रथ तैयार किया और फिर उसने 600 और रथ तैयार किए जो चुने हुए रथ थे, जो मजबूत तरीन और ताकतवर रथ थे। और फिर कौम के सरदारों को लिया और फिर एक बड़े लश्कर को उसने इकट्ठा किया कि जो बनी इसराइल कौम का पीछा करे और उनको समुंदर के किनारे पर जाकर मार दें या उनको वापस लाएं कि हमारी खिदमत करें, क्योंकि वो इस बात से पछता रहे थे। मिस्रियों ने इजाजत तो दे दी थी लेकिन वो इस बात से पछता रहे थे कि हमने इसराइलियों को क्यों इजाजत दे दी कि वो इस मुल्क से चले जाएं, हमारी खिदमत कौन करेगा। और इसी तरह जब कोई इंसान अपने गुनाहों से तोबा करता है और अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे देता है, खुदावंद के साथ चलना शुरू कर देता है, तो शैतान को बड़ी आग लगती है, शैतान को बड़ा दुख होता है और वो सोचता है कि ये क्यों मेरे हाथ से निकल गया है। और
मैं इसका पीछा करूंगा, मैं इसे ले लूंगा। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग जो हैं वो खुदावंद का मजा तो उठा लेते हैं और लेकिन वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद अपने मौजज़े करता है। और यहां पर हम देखते हैं कि जब फिराउन ने उनका पीछा किया और उनके नजदीक आ पहुंचा, तो बनी इसराइल कौम ने जब देखा कि फिराउन जो है हमारा पीछा करते हुए हमारे पास आ गया है, तो वो खुदावंद से तो फरियाद की, लेकिन खुदावंद के बंदा मूसा पर गिड़गिड़ाने लगे हैं, मूसा पर वो चिल्लाने लगे हैं, मूसा को वो कहने लगे हैं कि क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी, तू हमें यहां ले आया है कि हम बियाबान में मर जाएं। और आज बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि जो जब तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, और फिर जब थोड़ी सी मुश्किल उन पर आती है तो वो उन पासबानों को, उनके उन लोगों को जिनके वसीला से वो तौबा करके आए होते हैं, उनको वो कहते हैं कि इससे तो पहले हम ऐसे अच्छे थे और सब कुछ हमें मिल रहा था, सब कुछ हो रहा था और सब कुछ कर रहे थे, और लेकिन खुदा की कुदरत को नहीं पहचान रहे होते। आज भी बहुत से लोग हैं कि वो खुदा की कुदरत को देख भी रहे होते हैं, और जैसे बनी इसराइल कौम ने मिस्र में खुदा की कुदरत को बड़े नजदीक से देखा, आपने सुना कि 10 आफते खुदावंद खुदा ने मिस्र पर नाजल की, और उन 10 आफतों में बड़ा सबक फिराउन को दिया गया, और यहां तक कि फिराउन और मिस्री जो थे वो डर गए, और उन्होंने डर कर ये कहा कि खुदावंद खुदा जो है वो कादर है, वो कादर मुतलक है और हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, और इनको जाने दिया जाए। और लेकिन बनी इसराइल कौम ने ये सारी कुदरत को देखा, खुदा की सारी कुदरत को देखा, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जब पीछे फिराउन आ गया है और आगे समुंदर है, तो वो घबराए हुए हैं, डर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ जानते हुए घबरा गए हैं कि लेकिन ये भी सोच सकते थे, ईमान ला सकते थे कि जिस तरह खुदा हमें वहां से अपने ताकतवर बाजू से निकाल लाया है, इसी तरह आगे भी बचाएगा। लेकिन उनके दिल शैतान ने बंद कर दिए और वो गिड़गिड़ाने लगे। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि जब आप खुदावंद के साथ चलना शुरू करते हैं, खुदावंद को अपनी जिंदगी दे देते हैं, तो गिड़गिड़ाएं नहीं, परेशान ना हों, छोटी छोटी मुश्किलात से परेशान ना हों और ना घबराएं। बेशक बड़ी बड़ी परेशानियां भी क्यों ना आए, आप ना घबराएं। और मैं आपको बताता हूं कि जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, तो मैं एक हिंदुओं के मंदिर में रहता था और अच्छी कमाई थी, अच्छा सब कुछ था। लेकिन जब खुदा का खादम वहां मंदिर में आया और मैंने खुदावंद का कलाम मंदिर में सुना, खुदा के खादम ने मंदिर में आकर खुदा का कलाम मुझे सुनाया, और मैंने यीशु मसीह को जब कबूल किया और कई तरह की मुश्किलात में से गुजरा, लेकिन खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो कि खुदावंद ने मुझे अपनी कुदरत और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी किया और हर तरह से संभाला भी। और कई दफा खुदा ने मुझे मौत के मुंह से निकाला,
कई दफ़ा खुदा ने मुझे मौत के मुंह से निकाला और खुदा ने, लेकिन खुदावंद का शुक्र उसके नाम की तारीफ हो कि घबराया नहीं, परेशान नहीं हुआ। एक दफा का जिक्र है कि मुझे पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में बुलाया गया और मुझे कहा गया कि हम ऐसे जवान को खोना नहीं चाहते और मुझे आप इस मिनिस्ट्री को थोड़ी देर बंद कर दें। और मैंने बड़ी दिलेरी के साथ मैंने उस खुदा के खादम से कहा कि मैंने कहा कि बहुत से लोग जो हैं गैर निजात याफ्ता मर रहे हैं, अगर मैं खुदावंद के काम के लिए काम करता हुआ शहीद हो जाऊंगा तो मेरे लिए तो आसमान पर एक बड़ा अजर है। और मैं शुक्रगुजार हूं उस खुदा के खादम का, उसने मुझे मेरी तायद की, मुझे शाबाश दी और खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदावंद ने संभाला। और खुदावंद जो है वो अपने लोगों को संभालता है, अपने लोगों को बरकत बख्शता है। और मैंने अपने हाथ से कई मुसलमानों को जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया और अपने हाथ से उनको बपतिस्मे दिए। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदावंद अपने लोगों के साथ रहता है। लेकिन बनी इसराइल कौम की तरह जिन्होंने खुदा की कुदरत को देखा और घबरा गए और डर गए, और ना डरे ना घबराएं और खुदावंद आपके साथ होगा। और यहां पर देखते हैं फिर भी खुदावंद खुदा ने उनसे कहा, जब वो नजदीक आ गए हैं तो यहां पर लिखा है जब फिराउन नजदीक आ गया तब बनी इसराइल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, वो नहायत खौफ ज़दा हो गए। तब बनी इसराइल ने खुदावन से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, मिस्र में कब्रें ना थीं, तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है, तू हमसे क्या किया, मिस्र से निकाल लाया। और यहां पर हम देखते हैं कि 13वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखे हैं, तब मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो, खुदावंद की निजात के काम को देखो। मेरे भाइयों और बहनों, याद रहें कि हम कभी ना चिड़चिड़ाएं, कभी ना घबराएं, खुदा कभी ना परेशान हों। अगर आप मुश्किलात में से गुजर रहे हैं तो घबराएं नहीं और खुदावंद के जलाल को चुपचाप देखें, खुदावंद के निजात के काम को, क्योंकि जिसने आपको निजात दी है और वो आपकी मदद करेगा, आपकी रहनुमाई करेगा। जब हम अबरानियों के खत का मुताला करते हैं, अबरानियों उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, और अगर किसी के पास बाइबल हो तो वो निकाल कर देख सकता है। अबरानियों उसका 14वां बाब, पहला बाब उसकी 14वीं आयत, माफ कीजिएगा, वहां पर फरिश्तों के ताल्लुक से लिखा है। किन के ताल्लुक से लिखा है? फरिश्तों के ताल्लुक से लिखा है, क्या ये खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं। और याद रखें मेरे भाइयों और बहनों, वो लोग जो निजात हासिल करते हैं, वो लोग जो निजात पाते हैं, जिनको खुदावंद खुदा निजात बख्शता है, जिनको खुदावंद खुदा अपने कदमों में ले आता है, उनकी खातिर अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, उनकी खातिर अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो उनकी सब राहों में हिफाजत करें, जैसे जबूर नंबर 91 में लिखा है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लें, ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पाओ को पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। और यही बात खुदावंद का बंदा मूसा जो है बनी इसराइल को कहता है, चुपचाप खड़े होकर
खुदावंद की निजात के काम को देखो। और मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि आप जब चुपचाप खुदावंद की निजात के काम को देखने के लिए उसके कदमों में झुक जाएंगे, उसके हजूर खड़े हो जाएंगे, तो वो आपकी जिंदगी में निजात के बड़े बड़े काम करेगा। जैसा हम देखते हैं कि लिखा है हालेलुया, जैसा हम देखते हैं कि लिखा है कि जब फिराउन ने उनका पीछा किया तो खुदावंद खुदा ने मूसा से कहा कि तू मेरे से क्यों फरियाद कर रहा है, मेरे से क्यों फरियाद कर रहा है, तू अपना हाथ समुंदर पर बढ़ा और समुंदर जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, बनी इसराइल कौम खुशक जमीन से गुजर जाएगी, बनी इसराइल कौम खुशक जमीन से गुजर जाएगी। ओह हालेलुया, और खुदावंद खुदा जो है अपना हाथ जब अपने लोगों पर बढ़ाता है तो फिर कोई उनका पीछा करने वाला हो तो उनका पीछा नहीं कर सकेगा, उनका मुकाबला करने वाला हो तो उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। क्यों? अगले हिस्से में लिखा है और खुदावन का फरिश्ता जो इसराइली लश्कर के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, जो इसराइल के आगे चला करता था और वो उनके पीछे हो गया। क्यों क्यों पीछे हो गया? इसलिए कि उनके पीछे दुश्मन लगा हुआ था, उनके पीछे फिराउन का लश्कर लगा हुआ था। और फरिश्ता क्यों उनके पीछे हो गया? ताकि लश्कर फिराउन का लश्कर आकर उनको नुकसान ना दे सके। और लिखा है कि खुदावन तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में हिफाजत करें। और यहां पर हम देखते हैं कि खुदावन ने अपना फरिश्ता भेजकर बनी इसराइल की राहबरी और रहनुमाई की। और लिखा है कि समुंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया, हालेलुया, समुंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और बनी इसराइल कौम बीच में से गुजर गए, बनी इसराइल कौम बीच में से गुजर गई। और जब बनी इसराइल कौम बीच में से गुजर गई तो लिखा है कि समुंदर का पानी जो था उनके आसपास दाएं बाएं दीवार की तरह खड़ा रहा, हालेलुया, वो दीवार की तरह खड़ा रहा, वो खुशक जमीन से गुजर गए और उनकी जूती का तस्मा भी गीला ना हुआ, हालेलुया, उनकी जूती का तस्मा भी गीला ना हुआ और वो समुद्र में से गुजर गए और उन्होंने खुदा की कुदरत को और उसके जलाल को देखा। समुंदर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और जब वो समुंदर में से गुजर गए और फिर खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया कि अपना हाथ बढ़ा ताकि समुंदर का पानी फिर मिस्रियों पर चढ़ आए। और ऐसा ही हुआ। लेकिन यह भी बात हम देखते हैं कि जब मिस्री उनका पीछा करते हुए समुंदर के बीच में पहुंच गए तो खुदावन ने उनके रथों के पहियों को उखाड़ दिया, उनके पहिए तोड़ दिए। और याद रखें, जब आप खुदावंद के ताबे हैं,
खुदावंत के हाथों में हैं, खुदा के साथ चलते हैं वफादारी और सच्चाई से, तो खुदावंत खुदा जो है वो अबलीस के जोर को तोड़ देगा, अबलीस के असासों को ही तोड़ देगा, खत्म कर देगा, वो आपका पीछा ही नहीं कर सकेगा। और पत्रस के खत में लिखा है अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, अबलीस का मुकाबला जो है हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? वो तो एक हवाई ताकत है, वो तो एक हवाई ताकत है, वो एक हवाई कुव्वत है। हम कैसे उसका मुकाबला करते हैं, कर सकते हैं? और जब हम इफ़सियों के खत का मुताला करते हैं, इफ़सियों उसका चौथा बाब उसकी दसवीं आयत में लिखा है, खुदावंत की कुदरत के जोर में हम खुदावंत की कुदरत के जोर में आगे बढ़ें। आइए हम देखें इफ़सियों, माफ कीजिएगा, इफ़सियों उसका चौथा बाब, माफ कीजिएगा, और इफ़सियों छठा बाब उसकी दसवीं आयत, माफ कीजिएगा जी, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। और बनी इसराइल कौम क्यों समुंदर में से गुजर गए? क्योंकि जब खुदावंत के बंदा मूसा ने उनसे कहा, खुदावंत के बंदा मूसा ने उनसे कहा, चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात के काम को देखो, और वह चुप हो गए, खुदावंत की निजात के काम को और उसकी कुदरत को देखने के लिए तैयार हो गए। और वो खुदावंत का बंदा मूसा जो था वो खुदावंत की कुदरत में जोर आवर बन गया, खुदावंत का बंदा मूसा खुदावंत की कुदरत में जोर आवर हुआ। और जब जोर आवर हुआ तो उसने खुदावंत के जलाल को और नजदीक से देखा, बल्कि सारे इसराइल ने खुदावंत की कुदरत और उसके जलाल को देखा। और मेरे भाइयों और बहनों, हमें खुदावंत की कुदरत के जोर में मजबूत बनना है, खुदावंत की कुदरत के जोर में मजबूत बनना है, दुआया जिंदगी में मजबूत बनना है। ये नहीं कि हमने लाठी से मुकाबला करना है, ये नहीं कि हमने मुक्कों से मुकाबला करना है, बल्कि दुआया जिंदगी से मुकाबला करना है, दुआया जिंदगी से मुकाबला करना है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बताती है कि खुदा अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें। जब खुदावंद को ऐसे लोग मिल जाते हैं तो खुदावंद भी उनके लिए खुशी और शादमानी करता है। और जब हम सुफनिया की किताब उसका तीसरा बाब उसकी सातवीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, खुदावंद तेरे सबब से, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ में कादर है और तुझको बचा लेगा, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ में कादर है तुझको बचा लेगा। और याद रखें कि जिस तरह खुदावंद ने अपनी कुदरत वाले हाथ के साथ बनी इसराइल कौम को फिराउन के हाथ से
سمندر میں سے گزارا اور بچا لیا بڑی قدرت والے ہاتھ سے. اسی طرح جب آپ خداوند کی قدرت میں زور آور ہوں گے, آپ کی دعائیہ زندگی ہوگی, تو خداوند آپ کو بھی ہر طرح سے بچا لے گا, ہر دکھ سے, مصیبت سے, پریشانی سے, الجھن سے نکال لے گا. ہللویا. اور لکھے ہے کہ وہ سمندر میں سے گزر گئے, سمندر میں سے گزر گئے, اور فرعون کا سارا لشکر جو تھا وہ سمندر میں غرق ہو گیا, سارا لشکر غرق ہو گیا, اور وہ ان میں سے ایک بھی نہ بچا. کیوں ایک نہ بچا؟ کیونکہ خداوند کے بندہ موسیٰ نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو, جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو اب تک پھر کبھی نہ دیکھو گے, کیونکہ زندہ ہی نہیں رہیں گے, وہ زندہ ہی نہیں رہیں گے. کیونکہ یاد رکھے کہ جو لوگ آپ کے مخالف ہیں اور ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ دشمن تیرے مقابلہ میں ایک راستے سے آئے گا مگر سات سات راستوں سے ہو کر تیرے سامنے سے بھاگیں گے. اور اسی طرح مصری جب ان کے پیچھے آ رہے تھے, بھاگنے کی کوشش کی لیکن بھاگ بھی نہ سکے. میرے بھائیوں اور بہنوں, یاد رکھیں کہ جب ہم خداوند کی قدرت میں زور آور ہیں تو اسی طرح خدا کی قدرت کو اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے, خداوند کے جلال کو دیکھیں گے اور خداوند کی بخشش کو دیکھیں گے. لیکن خداوند کے جلال کو کب دیکھیں گے؟ جب ہم خداوند کے جلال کو دیکھنے کے قابل ہوں گے, تب ہم خداوند کے جلال کو, اس کی قدرت کو دیکھیں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے بڑی قدرت اور اس کے جلال کو دیکھا تو وہ خداوند پر اور اس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لائے. آؤ ہم بھی اپنے ایمان میں مضبوط ہوں اور خداوند کے جلال اور اس کی قدرت کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. سو آئیے خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین. پریز جیسس. ہللویا. پیارے آسمانی جلالی مقدس خداوند, ہم تیرا شکر, تیری تعریف, تیری تمجید, تیری ستائش, تیری حمد کرتے ہیں, کیونکہ خداوند خدا تو جو حمد اور ستائش اور قدرت اور عزت اور جلال اور حشمت کے لائق ہے. خداوند تیرا شکر ہو تو جو ہم سب کو پیار کرتا اور ہر طرح سے سنبھالتا اور برکت بخشتا ہے. خداوند شکر گزار ہیں کہ تو نے آج تک ہم سب کی حفاظت نگہبانی کی اور تو نے سلامتی بخشی ہے. اے خداوند تیرا شکر ہو, تو نے مجھے فضل دیا کہ میں نے تیرا کلام خداوند تیرے لوگوں تک پہنچایا ہے. خداوند یسوع مسیح کے نام سے خداوند تو اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر خداوند پاک خدا تو فضل دے کہ خداوند تیرے لوگ جنہوں نے تیرے کلام کو سنا ہے, خواہ وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں, یسوع کے نام سے تیرے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لا کر نجات پائیں اور تیرے حضور سے برکت حاصل کریں. اے خداوند بے روزگار لوگوں کو روزگار دے خداوند. اے خداوند جتنوں نے خداوند پاک دا ان باکس میں اپنی درخواستیں لکھی ہیں ان کی درخواستوں کے مطابق ان پر رحم کر اور ان کو برکت دے خداوند پاک دا, ان کی ضرورتیں پوری کر خداوند پاک دا. یسوع کے نام سے خداوند تو ہر طرح سے ہم سب کی بڑی سہایتا فرمانا. یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں. آمین. آمین. پریز گاڈ. خداوند آپ سب کو برکت دے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کلام سے برکت ملی ہوگی اور آپ اس میسج کو
आगे अपनी फेसबुक पर शेयर कर दें ताकि आपके वसीला से और भी लोग बरकत पा सकें।